हम आपसे गुफ्तगु, जानेंगे आपके मन की बात, देश दुनिया के बड़े मुद्दों पर लगाएंगे जनता का दरबार, निकल कर आएंगे फिर सामने आपके जज्बात, तभी तो मालूम पड़ेगा जनता के दिल का हाल। हाल ए जनता, नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम। मैं हूं आपके साथ रुचि। एक बार फिर से आ गए हैं अपने खास कार्यक्रम हाल ए जनता के साथ। इतिहास में पहली बार खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगा दिया गया है, यानी कि दूध दही अनाज जैसे कई खाने पीने वाली चीजों पर टैक्स लगा दिया गया है। अब निवाले पे टैक्स लगाने की वजह से निवासी लोगों का क्या हाल है, यही जानने के लिए आए हैं। और चलिए जानते हैं सर, इतिहास में पहली बार खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगा दिया गया है, यानी कि दूध दही और आटा चावल जैसे चीज़ों पर टैक्स लगाया गया है। सर, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है, ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ करता, जो कि इस बार हम देखने को मिल रहा है हमारे को। पहले हमारे दादा परदादा ने देखा था ऐसा सीन अंग्रेजों के ज़माने में, लेकिन ये सीन इस बार हम पहली बार देखने को मिल रहा है। ये तो हमारे खाने पीने की मेन चीज़ें हैं, अगर इन्हीं पे GST लग जाएगा तो बंदा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, तो ये गलत है, इस पर लगाना गलत है। और बाकी चीज़ें हैं ठीक है, तो चल रहा है, हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे दादाजी? जो भाई सुंदरलाल ने कहा है ये बिल्कुल ठीक है जी, मैं एग्री हूँ इस बात के लिए, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बिल्कुल गलत है ये काम, नहीं लगना चाहिए। सर, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगा दिया गया है, सरकार के इस फैसले पे आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी, आम जनता के ऊपर देश में अफरा तफरी का माहौल बनेगा। आज कोरोना के बाद जैसी आर्थिक स्थिति देश की है उससे आम जनजीवन वैसे भी त्रस्त हैं लोग, और इस फैसले के बाद बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और गरीब और गरीब होगा, और पैसे वाला जो उद्योगपति और उद्योगपति होगा। इसमें एक्चुअली ये है कि जो हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में, जो रात को सोते हैं तो सुबह खाने की चिंता होती है, सुबह उठते हैं तो शाम के खाने की चिंता होती है। ऐसे देश में खाने की चीज़ों पर टैक्स लगाना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। एक तरफ तो सरकार फ्री में राशन बांट रही है, एक तरफ खाने की चीज़ों पर टैक्स लगा रही है, कितना विरोधाभास है कि एक तरफ तो खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, एक तरफ जो उस पर टैक्स भी लगा रहे हैं। मतलब करना क्या चाहती है सरकार, पहले स्पष्ट करें अपनी राय, लोगों को रोटी देना चाहती है या मतलब भीख देना चाहती है? जो टैक्स लगाने की जरूरत क्या है, उनको खाना आप बांट रहे हैं और टैक्स भी पब्लिक से ले रहे हैं, मतलब करना क्या है, इसका जूता उसका ही सर। तो ये टैक्स लगाना बिल्कुल गलत है, मोदी जी को सोचना चाहिए आदमी की तरह। ये बहुत गलत फैसला है, ये बहुत गलत फैसला है सर, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जो जो काम नहीं करते उनकी पेंशन जरूर मतलब सुनिश्चित है, और जो दिन सुबह आते हैं शाम को अपने घर जाते हैं और पूरे 33 से 35 वर्षों तक कर्मचारी कार्य करता है, उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। सारी विरोधाभासी बातें हैं। सर, हम बात महंगाई की कर रहे हैं, जो 5% GST लग गई है खाने पीने की चीज़ों पर। आप महंगाई की हमारे से बात करिए, महंगाई वो तो सर ने बताया जैसा कि अभी कि खाने पीने की चीज़ों को तो मुफ्त जाता है, उसमें भी टैक्स लग रहा है, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी से पूछिए, वो जल पे टैक्स देता है, वो हर चीज़ पर टैक्स देता है, खाने पर टैक्स देता है, कोई चीज़ खरीदेगा उस पर टैक्स देता है, और अपनी तनख्वाह के लगभग 2 महीने का वेतन टैक्स में दे देता है पहले ही, उसके बाद हर चीज़ में टैक्स, उसके पानी पे टैक्स, उसके चलने पे टैक्स, उसके घर पे रहने पे टैक्स, उसकी हवा पे टैक्स, सब चीज़ों पे टैक्स। पब्लिक लंगर लगा रही है, सरकार टैक्स लगा रही है, देखो तो तमाशा। लंगर सब जगह लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आंदोलनों में भी लग रहे हैं, गुरुद्वारों में तो रोज लग रहे हैं, और सरकार टैक्स लगा रही है, कितना विरोधाभास है पब्लिक में और सरकार में। सर, क्या लग रहा है, देश का विकास हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, विकास तो हो ही रहा है भाई, मोदी जी हैं तो विकास तो कर ही रहे हैं। सर, 5% खाने पीने की चीज़ों में टैक्स लगा दिया गया है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। अभी 18% लगा दें, 25 कर दें उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना करें कि हम लोग को एजुकेशन बच्चों को कायदे की कर दें, हमारा हॉस्पिटल का सारा चीज़ें देख लें, बस आदमी स्वस्थ रहे, कोई दिक्कत। और सर, और लोग तो कह रहे हैं कि हमारा निवाला ही छीनते जा रहे हैं। अरे ये कहने वाले कहते हैं, किसी का निवाला, कोई एक आदमी भूखा देखिए, माँ चापो चाप देखिए चारों तरफ लगा हुआ है, सब खा ही रहे हैं, कोई व्यापार पे इसका क्या असर पड़ा है व्यापार पे? मेरे हिसाब से तो कोई GST के बाद कोई असर नहीं पड़ा है, नहीं असर पड़ा नहीं। आप बताइए। देखिए, कहना इस पर सीधा सीधा सा ये है कि चीज़ों को थोड़ा सरलीकरण किया जाना चाहिए। आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है। अपन बात करें अगर एजुकेशन में, तो एजुकेशन पॉलिसी में अभी भी बहुत सारी चीज़ों बदलाव की आवश्यकता है फिलहाल के हिसाब से, मेरे हिसाब से, और इसमें सरकार को निश्चित तौर पर काम करना चाहिए, तब जाके हो सकता है देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। सरकार के इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं?
खाने पीने की चीजों पे पहली बार टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है मैडम, देखो टैक्स लगा रहे हैं कोई नहीं, बट ये कि गवर्नमेंट को ना एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर एजुकेशन होगा ना तो खाने पे क्या किसी भी चीज पे टैक्स लगो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होता। क्या, सर क्या लगता है एजुकेशन में भी कमी चल रही है? अरे एजुकेशन में तो अभी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं एजुकेशन के लिए। बताइए, मुझे अपनी बच्चियों को लेके जाना है वहाँ विद्यापीठ में करके आ रहा हूँ, अभी सीधे वनस्थली विद्यापीठ छोड़ करके आ रहा हूँ। यहाँ कहीं है ही नहीं कुछ इस तरीके का जो हमारे संस्कारों को भी बढ़ाए। तो सर अब सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत हो, हमारे घर से कोई मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है घर में अकेले हमारे मतलब फादर हैं या मदर हैं, उन्होंने एक फ़ोन किया तो उस पर रिप्लाई होना चाहिए, लोग पहुँचें। सरकार सिस्टम्स इस तरीके से डेवलप करे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में है, शिक्षा और स्वास्थ्य अपने आप देश सुधरना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर क्या लगता है आपको सरकार का ये फैसला कितना हद तक सही है? वैसे जैसा कि मैं देख रहा हूँ सरकार हर फैसला सही लेती है, लेकिन इस बार मेरे को ये फैसला कुछ उचित सा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें गरीबों के पेट पर भी लात पड़ेगी। जो गरीब इंसान है जो दो वक्त का खाना कमा रहा है वो उसमें भी टैक्स कैसे दे देगा? उसके लिए तो कुछ कर नहीं रही सरकार, रोज़गार बढ़ाए उसकी तरफ देखे, उसकी तरफ ध्यान दे नहीं रही, टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही है, ऐसे टैक्स का क्या फ़ायदा? जब ये माना जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाया गया, जौन सी अल्कोहल है या और तरह का टैबैको है उस पे टैक्स क्यों नहीं बढ़ रहा? सिर्फ खाने पीने पर क्यों टैक्स बढ़ रहा है? उन चीज़ों पर टैक्स बढ़ना चाहिए जौन सी हानिकारक है लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप बताइए ज़रा क्या आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी सरकार जो भी कदम मतलब लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। हाँ एट द पॉइंट इस टाइम थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप ऐसे प्रोसेस में फंसे होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी थोड़ा सा रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो ये एज अ स्ट्रेटजी एक वर्क हो सकता है। बिकॉज हमारा इस समय हमारा कृषि राज्य है, आप भी जानते हो हम लोग कृषि राज्य है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर आप बात देखो तो इसको कभी कभार मैनेज करने के लिए सरकार को कुछ कदम लेने पड़ते हैं। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोग मेहनत करेंगे और लोग बोलेंगे हाँ भाई मुझे और कमाना है, तो इस तरह से हम लोग इसको एज अ पॉजिटिव साइड इसको हम देख सकते हैं। दैट्स इट। जैसा कि आपने देखा हम आम लोगों से बात कर रहे थे और जान रहे थे कि सरकार का ये लिया हुआ फैसला कितना सही है और कितना गलत। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सीधे गरीब के पेट पे लात मारा जा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं अगर इसे पॉजिटिव वे में देखा जाए तो सही है। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ हाल ए जनता के जरिए, तब तक आप देखते रहिए जन भावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।